बदायूं लोकसभा, ये वो लोकसभा है जहां पर समाजवादी पार्टी पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा कमजोर हुई है। यह चीज विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जहां पर सपा को भाजपा के मुकाबले काफी कम वोट मिले। 2019 में धर्मेंद्र यादव यहां से हारे और भाजपा की संघमित्रा मौर्या, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्या की बेटी हैं, उन्होंने धर्मेंद्र यादव को चुनाव हरा दिया। अब आ चुका है 2024, सपा ने यहाँ पर कैंडिडेट बदल दिया है। कैंडिडेट दिया है सपा के संस्थापक सदस्य है मुलायम सिंह यादव जी के भाई शिवपाल सिंह यादव को। शिवपाल सिंह यादव बदायूं पहुंचे लोकसभा का चुनाव लड़ने। पहले इस तरह की खबरें थी कि वो आजमगढ़ से लड़ना चाहते हैं, बदायूं से नहीं लड़ना चाहते, इसलिए वो कैंडिडेट जब उनका फाइनल हो गया उसके भी 10 दिन बाद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। पहले उनका दौरा टल गया था, लेकिन अब खबर सामने आई कि उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, वो इसलिए नहीं गए और अब वो चुनाव प्रचार के लिए चले गए हैं। ये मान के चलिए कि शिवपाल सिंह यादव जब कैंडिडेट बने हैं यहाँ से, वो इस सीट को मुश्किल ही हारेंगे। उसका कारण सीधा सीधा है, 2019 में भाजपा यहाँ से जीती, लेकिन जो सलीम इकबाल शेरवानी थे, जो अभी कुछ दिन पहले तक सपा में थे, वो कांग्रेस से चुनाव लड़े और 51,000 वोट पाए और ये वोटें कटी धर्मेंद्र यादव की, और इससे भी कम अंतर से वो बदायूं हारे। अब 2024 में शिवपाल सिंह यादव ने बदायूं पहुंचते ही पहला दावा ये करा कि बदायूं सपा का गढ़ है, यहाँ से लगातार धर्मेंद्र जीतते आए हैं, सलीम इकबाल शेरवानी जीते और अब मैं भी जीतूंगा, और अब जब मैं आ गया हूँ तो सलीम इकबाल शेरवानी भी मान जाएंगे। मतलब उनका इशारा इस तरफ था कि वो सलीम इकबाल शेरवानी को मना लेंगे और सलीम इकबाल शेरवानी उनके साथ चुनाव प्रचार में दिखेंगे। अगर ऐसा हुआ फिर तो आप मान के चलिए कि सपा कोई जादू ही हो सकता है कि सपा ये सीट हार जाए। लेकिन फिलहाल सलीम इकबाल शेरवानी जुगत में है अपने टिकट की बसपा से, क्योंकि वो उन्होंने सपा छोड़ दिया, उनको उम्मीद थी कि बदायूं से उनको टिकट मिलेगा। लेकिन फिर वही बात, जो सपा पर आरोप लगते हैं कि सपा अपने परिवार वालों को ज़्यादा तरजीह देती है टिकट देने में, वही हुआ। पहले धर्मेंद्र यादव का टिकट हुआ था, अब शिवपाल सिंह यादव का टिकट हुआ है, और अब सलीम इकबाल शेरवानी, यकीनन शिवपाल यादव में वो काबिलियत है कि वो किसी भी रूठे नेता को मना ले। वो मना लेते थे जब उनके भाई मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी में चलती थी, लेकिन आज के वक्त में उनके चचेरे भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव का पलड़ा भारी है पार्टी। शिवपाल सिंह यादव जाएंगे सलीम इकबाल शेरवानी को मनाने, लेकिन उनको ऑफर क्या करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में शिवपाल यादव की वो ताकत ही नहीं बची पार्टी में कि वो किसी को वादा कर दे कि तुम मुझे समर्थन दो, मैं तुम्हें ये दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें MLC बनवा दूंगा, मैं तुम्हें अगला विधानसभा लड़वा दूंगा, या फिर राज्यसभा पहुंचवा दूंगा, या फिर कहीं और सीट से लोकसभा लड़वा दूंगा। यही कारण है कि शिवपाल सिंह यादव जब से इस पार्टी में कमज़ोर हुए हैं, पार्टी भी कमज़ोर होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये बात सब जानते हैं, सपा के समर्थक भी दबी जुबान में कहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी शिवपाल यादव कैसे मनाएंगे सलीम इकबाल शेरवानी को, क्योंकि जिस दिन वो सलीम इकबाल शेरवानी को मना लेंगे, ये सीट समाजवादी पार्टी के नाम हो जाएगी। ये बात आप लिख के रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।